हेलो, बढ़िया बल क्या आपको मेरी प्यारी बात सुनाई दे रही है। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है प्लांट किंगडम। इस टॉपिक के स्टार्टिंग में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, जनरल इन्फॉर्मेशन आप जिसे कह सकते हो। लास्ट ईयर भी मैंने इस सीरीज को कंडक्ट किया था, मुझे सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स यही इसी सीरीज से मिला था। दिस इज द रिविजन सीरीज, इसके अंदर बस आपको रिविजन मिलने वाला है। मैंने एक ऐसी बुक डिस्कवर की है जिसके अंदर बेटा की बहुत ही बढ़िया शॉर्ट नोट्स है। मैं इसे थोड़ा सा क्रेडिट देना चाहूंगा, ये अग्रवाल सर से बिलोंग करती है, अनिशा अग्रवाल मैम एज वेल एज द अनिरुद्ध अग्रवाल सर से। तो नीट जो इसका बुक का नाम है एक्चुअली, ठीक है, तो ये बुक जो है कॉपीराइटेड है उनकी तरह से। बहुत ही बढ़िया बुक है जो कि मैंने डिस्कवर की थी आज तक। एंड ये जो बुक है मुझे खास इस चीज की वजह से पसंद आई क्योंकि इसके अंदर एटलीस्ट आपकी एक भी चीज मिस नहीं है, सब कुछ एनसीईआरटी के अंदर का लिया है। मतलब जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर देखना, यहाँ पर आपके पास नहीं क्या है, स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में क्या क्या इंपॉर्टेंट था उतना सभी दिया है, हलिये में कितना इंपॉर्टेंट है सभी दिया है, इसे याद करने की ट्रिक्स दी है, इसमें से कुछ आपके लिए नोट्स दिए कि इसे कैसे पढ़ना है। तो ऐसी नोट्स है जो कि आपको सच में एक चैप्टर विद इन 30 मिनट रिवाइज करा सकती है। तो ये आज हमारा प्लांट किंगडम का टॉपिक होने वाला है। हर रोज आपको एक टॉपिक मिल जाएगा, बट नेक्स्ट सेशन में तभी लूंगा जब आपका रिस्पॉन्स यहां पर अच्छा हो जाएगा। तो मैं आपके रिस्पॉन्स के लिए बहुत ज्यादा वेट करूंगा। आपको इस सेशन के लिए अच्छा रिस्पॉन्स देना है, इस सेशन को लाइक किया करो, इस चैनल को सब्सक्राइब किया करो, अच्छे से कमेंट किया करो, डाउट्स पूछा करो, ठीक है, डाउट्स भी पूछा करो ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे। क्योंकि मुझे डेली 3-4 सीरीज कंडक्ट करवाना, स्पेशल क्लास देना मेरे लिए भी मुश्किल चीज होती है। ऑल्दो आई एम ऑल्सो हैविंग माई ओन थिंग्स एंड ऑल द स्टफ, ठीक है बेटा, फिर भी हम ये चीजें क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि एसेंशियल चीज है। तो आप मुझसे डाउट भी पूछा करो बेटा, क्योंकि हमारा एक इंटरेक्शन भी होना चाहिए ना। तो आज का सेशन अटेंड कीजिएगा, आपको पता चलेगा कि बायोलॉजी का एनसीईआरटी का टॉपिक बस 30 मिनट्स में हर एक क्वेश्चन के साथ कैसे रिवाइज करते हैं। अगर आपको मजा नहीं आएगा, अगर आपको समझ में नहीं आएगा, तो उन सभी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं अपने ऊपर लेना चाहता हूं। तो एक चीज देखना, हमारी 20th of January से एक बैच स्टार्ट होने वाली है, क्रैश कोर्स, मतलब कल से बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रैश कोर्स है। इसके अंदर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट आपको लाइव में पढ़ाए जाएंगे। आपको कम समय में मैक्सिमम सिलेबस कवर किया जाएगा। एक तो रिवीजन की तरह यूज कर सकते हो, या तो अगर आप फर्स्ट टाइम भी पढ़ाई कर रहे हो तो भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। आपके पास इंडिया टॉप एजुकेटर्स इसके अंदर, एंड ऑब्वियसली इसके अंदर मैं भी हूँ मेरे दोस्तों, ठीक है, इसके अंदर मैं भी आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो इसकी प्राइस 4,999 रुपीज है बट अ मिनट। अगर आप हमारा कोड अप्लाई करते हो जिसका नाम है VD1, तो ये प्राइस आपको 10% डिस्काउंट के साथ, मतलब 4,499 के अंदर मिल जाएगी। तो इससे आप चूज कर सकते हो, आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। यही बैच आपके लिए बहुत ही ज्यादा गोल्डन साबित हो सकती है, तो इसे जल्दी से ज्वाइन कीजिएगा। VD1 कोड ही अप्लाई करना ताकि आप हमारे अंदर एनरोल हो जाओ। आपको इसके अंदर मेंटोरशिप भी मिल जाएगी, मेरे मेरे साइड से तो अपनी तरफ से भी मिल जाएगी, ठीक है। तो इसके अंदर आपको सभी चीजें मिलने वाली है। चलो बैक ऑन द टॉपिक आते हैं, मैं इसे थोड़ा सा जूम करता जाऊंगा। अगर आपको कोई चीजें दिखती नहीं है तो मैं थोड़ा सा साइड में भी हटा जाऊंगा, ठीक है। यस, तो नोट दैट यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोट दिया है, नोट भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है। फॉर ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स एंड द जिम्नोस्पर्म्स आई हैव पुट अ लाइफ साइकिल डायग्राम दैट इजंट इन द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, इट्स प्योरली फॉर अंडरस्टैंडिंग एज आई फील दे हैव बीन गिवन पुअरली इन द टेक्स्ट बुक। तो यहाँ पर आपको लाइफ साइकिल की डायग्राम मिलने वाली है। तो अपने हाथ में एक नोटबुक लीजिएगा एंड जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमारा सेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी तक बस इस सीरीज का इंट्रोडक्शन था, अभी जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे खास चीज, आर्टिफिशियल सिस्टम किसने दिया था? आर्टिफिशियल सिस्टम मतलब क्या बेटा, पुराना वाला, ठीक है, ये हमारा ओल्ड वाला सिस्टम किसने दिया था? लिनस चाचा ने दिया था। कितने क्लासिफिकेशन की सिस्टम थी? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की सिस्टम थी। तो एक्चुअली उनके अंदर बहुत ज्यादा कमियां हुआ करती थी क्योंकि ओल्ड था, क्योंकि वो बस क्या करते थे, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को देखते थे, जैसे कि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स वगैरह। बट आपको एक चीज पता है कि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स आपके सीजन की वजह से भी वेरिएशन हो सकते हैं, लाइक द हेट्रोफिली, ठीक है, हेटेरोफिली हो सकता है, प्लास्टिसिटी हो सकता है। तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पकड़ना गलत बात होने वाली है, स्ट्रक्चर ऑफ एंड्रोशियम वगैरह पकड़ना गलत बात होने वाली है। फिर बाद में आता है आर्टिफिशियल सिस्टम के अंदर एक इक्वल वेटेज दिया था वेजिटेटिव एज वेल एज द सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को। बट एक चीज देखना, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स ऑफन चेंज हो सकते हैं, ऑफन चेंज हो सकते हैं। एग्जाम्पल प्लास्टिसिटी का ले लो, ज्यादा कुछ लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर बाद में इसके कॉन्ट्रास्ट में डेवलप हुई आपकी नेचुरल सिस्टम। बेटा नेचुरल सिस्टम किसने डिस्कवर की थी? हमारे दो चचा थे, फर्स्ट चचा थे बेटा हमारे बेंथम चचा, और दूसरे चचा थे हमारे हुकर चचा। अगर नीट वाले, एनटीए वाले क्वेश्चन पूछेंगे कि नेचुरल सिस्टम किसने दिया था, जल्दी से मेरे साथ दोहराओ,
बेंथम चचा, हुकर चचा, बेंथम चचा, हुकर चचा, वेरी गुड। फिर बाद में इन्होंने एक्सटर्नल इंटरनल कैरेक्टर्स को देखा था, केमोटैक्सिस में देखी, साइटोटैक्सिस में देखी, फाइलोजेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक बहुत कुछ देखा, और आपकी नेचुरल सिस्टम आ गई जो कि अभी यूज की जाती है। आर्टिफिशियल ओल्ड होती है, आपको लगा कर कि आर्टिफिशियल मतलब अभी भी है, नेचुरल मतलब पुरानी होगी, नहीं बेटा ये चीजें उल्टी होती है। और एक चीज देखना कि फाइलोजेनेटिक सिस्टम मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइलोजेनेटिक सिस्टम, इसको भी हमने कंसीडर किया था। तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम मतलब क्या, कि हम हमारे पूर्वजों से क्या करते हैं, रिश्ता बना के देखते हैं कि बेटा हाँ होमोलोगस ऑर्गन्स है क्या, उसके अंदर वेस्टिजियल ऑर्गन्स है क्या, फाइलोजेनेटिक देखते हैं, मतलब हम पुराने समय में झांक के देखते हैं, तो उसे हम कहते हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम। स्पीड ओके है ना, अगर स्पीड ओके नहीं है तो कमेंट सेक्शन के अंदर बताया करो बेटा, मैं अपने कल से सेशन से थोड़ा सा स्पीड थोड़ा सा धीमा कर दूंगा, बट ये हमारा रिवीजन सेशन है तो रिवीजन सेशन का स्पीड थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, आपके हाथ में एनसीईआरटी होना चाहिए, ठीक है। एंड इस वीडियो को, इस सेशन को लाइक कर दो ताकि हमारा नेक्स्ट सेशन जल्दी से आ सके। फिर बाद में देखना न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी मतलब क्या होता है, सबसे खास चीज न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी मतलब हम क्या करेंगे कि हर एक कैरेक्टर्स को हम नंबर से असाइन कर देंगे, एंड सबसे खास चीज सभी को हम इक्वल इंपॉर्टेंस देंगे, इक्वल इंपॉर्टेंस देंगे, ठीक है। एक चीज इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी के अंदर, क्यों, उसका एक रीजन देख ला। कैसे होता है कि आपके पास दो बंदे हैं, जस्ट मैं एक मम्मी हूं और मेरे दो बच्चे, तो क्या होगा कि मुझे एक बच्चा ज्यादा पसंद है, ऐसा नहीं होता, मैं दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दूंगी, क्यों, क्योंकि दोनों मेरे बच्चे हैं, यस, ठीक है, सेम टाइप का होने वाला है, माता के लिए सभी बच्चे एक टाइप के होते हैं, यस, इज इट क्लियर। तो उसके बाद देखना ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक देखा करते हैं बेटा नेचुरल सिस्टम के अंदर, नेचुरल सिस्टम के अंदर तो हम एक्सटर्नल भी देखते हैं, इंटरनल भी इसके अंदर देखा करते हैं। हाउ इज द जॉब, हाय सर, यस, साइटोटैक्सोनॉमी मतलब क्या होती है, साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन होती है बेटा, सेल रिलेटेड आपका हो जाएगा, सेल का स्ट्रक्चर, बाकी सभी चीजें, न्यूक्लियस है नहीं है कुछ भी डाल देंगे, साइटोलॉजिकल इन्फो। केमेटोक्सोमनी बेटा केमिकल इन्फो मतलब क्या, कि केमिकल कंस्टिट्यूशन क्या है, तो दीज आर द मेथड जो कि आज के दिन में यूज की जाती है। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि आज के जमाने में कौन सी ऐसी मेथड है जो कि यूज की जाती है, इनका नाम बता देना, ठीक है, इनका नाम बता देना, इज इट क्लियर, यस भैया, जल्दी आगे बढ़ो भैया, मजा आ रहा है, यस, देखो हमने इंट्रोडक्शन कवर भी कर लिया जस्ट विद इन 5 मिनट्स, विद इन 2 मिनट्स, यस। अब अभी हम आगे बढ़ने वाले एल्गी की तरफ। सबसे खास चीज हमारा जो 50% जो होता है बेटा, हाफ ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन जो होता है पर, वो एल्गी के थ्रू किया जाता है। सबसे बातचीत छोटी होती है, सिंपल होती है, आपकी ग्रीन होती है, खास करके थोड़ा सा दिखने दिखता है, छोटा छोटा होता है, बट हाफ ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड वो फिक्स करती है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है बेटा, थैलॉइड बॉडी है, मतलब क्या, डिफरेंशिएटेड बॉडी नहीं है, सिंपल स्ट्रक्चर, सिंपल ना बेटा, सिंपल, यस। ऑटोट्रॉपिक है बेटा, खुद का खाना खुद बनाती है, हेटरोट्रॉपिक नहीं है, दूसरे के ऊपर फीड नहीं करती, सिंपल सा बेसिक नॉलेज है। इसके अंदर भी बच्चे गलतियां करते हैं, गलतियां करने का कोई भी यहाँ पर रीजन नहीं बनता है। उसी के साथ एक्वेटिक है, दोनों जगह पर पाई जाती है, फ्रेश वाटर में जाओ दिखेगी, मराइन वाटर में जाओ दिखेगी, दोनों जगह पर पाई जाती है, और खास करके मॉइस्ट प्लेसेस पर पाई जाती है। चलो कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू, मुझे एक और चीज बता दो, कौन सी फंजाई है जो कि मॉइस्ट डैम प्लेसेस पर पाई जाती है, कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर कर देना जल्दी से, कौन सी फंजाई है जो कि आपकी मॉइस्ट डैम प्लेसेस पर पाई जाती है। एक देखना, आपका जो अल्गी होता है रिश्ता बनाता है, सिम्बायोटिक रिश्ता बनाता है, लाइकेंस बनाता है फंजाई के साथ बेटा, पाइकोबियंट माइकोबियंट हम आगे जाके पढ़ने ही वाले हैं, तो रिश्ता बनाता है, सिम्बायोटिक रिश्ता बनाता है लाइकेंस के साथ, एनिमल्स के साथ, मतलब क्या, स्लॉथ बियर्स, आलसी बियर जो होता है उसके शरीर पे आपका लाइफ में ग्रो कर जाता है, तो ये जो है तो बेटा आपका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाता है। इज इट क्लियर, फाइन है, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो अभी हम देखेंगे इसके फॉर्म्स कौन से होते हैं बेटा, हर एक एनसीईआरटी की लाइन कवर है, हर एक एनसीईआरटी की लाइन, ये जो देख लो, ये सबसे प्यारी चीज है मुझे, ये सबसे प्यारी चीज मुझे लगी, क्यों, क्योंकि कितने फ्लैजलास है, कैसे फ्लैजलास है, ये सभी इंफॉर्मेशन दिया है। अगले पेज पर कुछ ऐसा चार्ट है जो कि आपके दिल को खुश कर देगा, आप खुश हो जाओगे कि भैया ये क्या दिखा दिया भैया, या नाचने लगोगे यार, ठीक है, रुको जरा, वेट अ सेकंड, कुछ अच्छी चीजों के लिए सबर करना पड़ता है। फॉर्म्स बेटा, फॉर्म्स कौन से होते हैं जल्दी से देखना, फॉर्म्स कौन से होते हैं, यूनिसेल्युलर जो होता है बेटा वो आपका क्लाइमेटोबनास हो जाएगा, जल्दी से रट डालो यूनिसेल्युलर क्लाइमेटोबनास हो जाएगा। कॉलोनियल फॉर्म वॉलवॉक्स, कौन सा फॉर्म कॉलोनियल होता है जल्दी से, अरे बेटा जल्दी से, वॉलवॉक्स इज द कॉलोनियल फॉर्म, कॉलोनीज बना के जिंदा रहेगा, हमें बस याद करना, हमें बस रटना है, इसके लाइन लाइन पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिलामेंटस कौन सा है भाई, इलेक्ट्रिक्स है भैया, स्पाइरोगायरा है, बट एक चीज यहां पर मेंशन करना रह चुकी है,
यूलोथ्रिक्स के अंदर बेटा आपकी मोटाइल होते हैं आपकी सभी चीजें, क्योंकि इनके अंदर फ्लैजला होता है। सो दीज आर द फ्लैजलेटेड, दीज आर द मोटाइल। एंड आपका जो स्पायरोगायरा होता है, आपका जो स्पायरोगायरा होता है मेरे दोस्तों, उनके अंदर नॉन मोटाइल नॉन फ्लैजलेटेड होने वाले। सो दीज आर द आइसोगैमस, दीज आर द फिलामेंटस एज वेल एज दीज आर द आइसोगैमस, बिकॉज दे आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। लिख लो, आइसोगैमस मतलब क्या? मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर भैया, मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर भैया, कैसी आवाज निकलता है भैया? ठीक है, तो हम देखेंगे बेटा कि आपके एल्गी के अंदर बाकी की चीजें कैसे वर्क करती है। सब्सटेंसेस ओवर द 70% जो, सॉरी एक्सक्यूज मी, फूड जो होता है बेटा, ओवर द 70 स्पेसीज जो होती है एल्गी का, उसे हम एज अ फूड की तरह यूज करते हैं। पोर्फायरिया लैमिनेरियम सर्गियासम, मैंने ऐसे याद किया था, पोर्फायरिया लैमिनेरियम सर्गियासम, पोर्फायरा लैमिनेरियम सर्गियासम, पोर्फायरा लैमिनेरिया सर्गियासम। ठीक है, तो फूड की जगह हम 70 स्पेसीज को यूज कर सकते हैं, फूड के लिए बहुत ही एसेंशियल है बेटा। लैमिनेरिया सर्गियासम आपका कौन सा होता है बेटा, कौन सा रहेगा? पोर्फायरा लैमिनेरियम सर्गियासम, पोर्फायरा लैमिनेरियम सर्गियासम, पोर्फायरा लैमिनेरियम सर्गियासम। उठो जल्दी से मेरे साथ, लास्ट टाइम गाओ, पोर्फायरा लैमिनेरियम सर्गियासम एज अ फूड यूज करते हैं। वेरी गुड। हाइड्रोकोलाइड्स, हाइड्रोकोलाइड्स मतलब आपको पता है क्या, इसे एक्सप्लेन करने की मुझे जरूरत नहीं लगती है। पानी के साथ कोलाइडल बेटा, सीखे सिंपल सी चीज है। अल्गीन जो होता है ब्राउन अल्गी बनाता है, और कैरा ग्रीन जो है बेटा आपका रेड अल्गी बनाता है। इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहूंगा, जिसके अंदर आर आर है वो आपका रेड अल्गी है, कैरा ग्रीन रेड अल्गी। कैरा ग्रीन कौन सा है भाई? कैरा ग्रीन आपका रेड अल्गी है। एंड उसी के साथ अल्गीन कौन सा है भाई? अल्गीन आपका ब्राउन अल्गी है, ब्राउन मुंडे, ब्राउन मुंडे। यस, इसका आपका अल्गीन ब्राउन अल्गी होने वाला है। तो अगार जो होता है बेटा, अगर आपको पता है अगार, अभी मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, अगार क्या होता है? जेलिडियम और ग्रैशेरा बनाता है। जेलिडियम और ग्रैशेरा किससे बिलोंग करते हैं? रोडोफाइसी से, रोडोफाइसी से बिलोंग करते हैं, रोडोफाइसी से बिलोंग करते हैं। कितने प्यारे बच्चे यार, ठीक है। तो प्रोटीन सप्लीमेंट जो होती है बेटा, क्लोरेला और स्प्लूरेला, क्या इसे हम स्पेस के अंदर यूज कर सकते हैं? क्या आप इसे स्पेस के अंदर जाके खा सकते हो? हाँ भैया, हम खा सकते हैं। यूनिसेल्युलर फॉर्म होते हैं भैया, सिंगल सेल प्रोटीन के द्वारा एक्ट करते हैं भैया, हम खा सकते हैं। ओके, रिप्रोडक्शन क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, रिप्रोडक्शन के ऊपर क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। अब सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं बेटा, जिसे हम ज़ूस्पोर्स कहते हैं। देखा कितनी औसम नोट से यार, इतनी औसम नोट ढूंढने से भी अगर चिराग लेके जाओगे ना ढूंढने के लिए, तभी भी नहीं मिलने वाले। तो क्या हो जाएगा? ज़ूस्पोर्स आपके असेक्सुअल होने वाले। वेरी गुड। नॉर्मली आपका सेक्सुअल स्पोर्स जो होता है बेटा, आइसोगैमस होते हैं। सेक्सुअल स्पोर्स आपके आइसोगैमस होते हैं, उनके अंदर आपका फ्लैजलेटेड हो जाएगा क्लाइमेडोमोनस एज वेल एज यूलोथ्रिक्स। क्लाइमेडोमोनस हमारा यहाँ पर भी आया था, कहा गया यूनिसेल्युलर के अंदर क्लाइमेडोमोनस, ठीक है। एंड नॉन फ्लैजलेटेड के अंदर आपका बेटा स्पायरोगायरा आ जाएगा, स्पायरोगायरा नॉन फ्लैजलेटेड के अंदर आ जाएगा। यस, तो अभी तक हमने यहाँ तक कवर किया है। उसी के साथ सेक्सुअल के अंदर अनाइसोगैमस है बेटा यूडोरिना, जिसका एग्जाम्पल आपको याद था, जितना यहाँ पर लिखना रह गया है उतना मैंने यहाँ पर लिखा है बेटा। एंड कहीं पर आपके थोड़े से स्क्लाइमेडोमोनस भी इसके अंदर आते हैं अनाइसोगैमस के बीच में। ओगैमस, वोल्वैक्स एंड द फ्यूकस, वोल्वॉक्स एंड द फ्यूकस आर द क्या है आपकी ओगैमस होने वाले। इज इट क्लियर? फिर से रिवाइज करो भैया, चलेगा। तो असेक्सुअल ज़ूस्पोर्स, सेक्सुअल आइसोगैमेट्स, फ्लैजलेटेड क्लाइमेडोमोनस एज वेल एज यूलोथ्रिक्स होता है, नॉन फ्लैजलेटेड आपका स्पायरोगायरा हो जाएगा। उसके अंदर अनाइसोगैमस यूडोरिना है बेटा, आपके क्लाइमेडोमोनस भी है, ओगैमस आपका वोल्वॉक्स फ्यूकस होने वाले है। देख लो, देख लो, देख लो, आगे बढ़ेंगे। जोश है ना? अरे यार, इस जवानी में ना, मतलब आपकी उम्र अभी जवान है बेटा, आप जवान हो, तो जवानी में थोड़ा सा जोश दिखाया करो, जोश दिखाया करो, पढ़ने में मजा आ जाएगा। किसी भी चीज के अंदर जोश लगा दोगे ना, तो वो ताकत दुगनी हो जाती है, ठीक है। तो वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन के थ्रू करते हैं, वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन के थ्रू अपना रिप्रोडक्शन करा देंगे। यहाँ पर आपको फिगर देखनी है 3.1 पेज नंबर 31 एनसीईआरटी 11, मैं दिखाने को नहीं जाऊंगा, खुद से देख लो। आई होप आपके हाथ में एनसीईआरटी होगी, अगर नहीं है तो देख लेना बेटा, क्योंकि फायदा ही नहीं ना, फिर एनसीईआरटी होनी चाहिए, कहां से क्या पढ़ रही वो तो पता चलना चाहिए ना। दिमाग चलाओ, एनसीईआरटी खोलो जल्दी से, चलो जल्दी से खोलो। यस, डायग्राम देख लो, अलगी के क्लासेस कौन थे? ओके, आपके लिए यहाँ पर कुछ तो नोट दिया है। ओके, एटलीस्ट फॉर मी दिस पार्ट वॉज द टफ टू रिमेंबर। ओके, अलगी क्लासेस थोड़ा सा टफ है रिमेंबर करने के लिए, एंड अगर मैं खुद का भी बता दूं तो मेरे लिए भी थोड़ा सा टफ ही हुआ करता था। टू मेक इट इजियर आई हैव गिवन अ समरी ऑफ ईच क्लास इंडिविजुअली एंड देस देयर इज अ कंपैरिजन ऑफ ऑल द देयर क्लासेस। उन्होंने क्या किया है, आपको थोड़ा सा ब्रीफली दिया है साइड में, एंड एवरी पॉइंट कैन बी एन एमसीक्यू। दिस लाइन हिट्स मी अलॉट, ठीक है बेटा, क्योंकि आपकी हर एक लाइन यहाँ पर एमसीक्यू बन सकती है। तो मेरे नीचे ये वर्ड जा रहे हैं, बट मैं आपको थोड़ा सा झुक के पढ़ा दूंगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा झुक के क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपको दिखाई देना चाहिए। यस, फाइन। तो क्लोरोफाइसी,
क्लोरोफाइल क्या होता है बेटा? क्लोरोफाइल के अंदर आपका क्लोरोफिल ए एज वेल एज द बी होता है, ठीक है, क्लोरोफिल ए बी ए सी ए डी, क्लोरोफाइसी फाइवोफाइसी रेडोफाइसी, ठीक है। सेल वॉल सेलुलोज विद कोट ऑफ पेक्टिन, बेटा एक इंपॉर्टेंट चीज है, सेलुलोज से बना होता है, इसके ऊपर एक कोट ऑफ पेक्टिन भी होता है, ये चीज आपको याद करनी चाहिए, ठीक है। फिर अपने हम आगे जाएंगे, फूड स्टोरेज इन द फॉर्म ऑफ द पायरोनेट्स, पायरोनेट्स के अंदर होता है, सॉरी पायरोनेट्स आपके लोकेटेड होते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर, कहां पर लोकेटेड होते हैं? क्लोरोप्लास्ट के अंदर, कहां पर होते हैं? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। किस फॉर्म में हो जाएगा बेटा? स्टार्च प्रोटीन यहाँ पर दिया है, ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में आपका स्टोरेज होता है, पायरोनॉइड्स बॉडी होती है। इज इट क्लियर? इतना सेशन क्लियर है? यस। अभी हम देखेंगे वेजिटेटिव कैसे होता है फ्रेगमेंटेशन। वेजिटेटिव सभी के अंदर फ्रेगमेंटेशन था बेटा, सभी के अंदर फ्रेगमेंटेशन कॉमन चीज यहाँ पर हुआ करती थी, याद है, ठीक है। अभी मैं आपको थोड़ा सा इस साइड में जाके बढ़ा दूंगा, यस वेरी गुड। तो अभी एक चीज देखना, सेक्सुअल जो हो जाएगा बेटा इनके अंदर जूसपोर्स होते हैं, किसके अंदर? क्लोरोफाइट्स ग्रीन एल्गी, क्लोरोफाइट्स ग्रीन एल्गी क्या है यहाँ पर बेटा आपका? असेक्सुअल जूसपोर्स के थ्रू होता है, जूरोस्पोरेंजिया के अंदर इसे प्रोड्यूस किया जाता है। सेक्सुअल की तीन टाइप्स होते हैं, आइसोगैमस अनआइसोगैमस ओगैमस, मतलब तीनों टाइप का यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आता है, तीनों टाइप का रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आता है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ठीक है क्या भाई? बोलो भाई, कमेंट कर दो भाई। यस भैया क्लियर है। फ्लैजेला 2 से लेकर 8 होते हैं, तो प्लीज इस डायग्राम को देखना, दिस डायग्राम इज मच मच इंपॉर्टेंट। ये डायग्राम क्यों दिए और इंपॉर्टेंस ऑफ दिस डायग्राम, यहां पर देखना 2 से लेकर 8 अपाइकर इक्वल, याद कर लो जल्दी से। इसके ऊपर अगर क्वेश्चन आएगा तो 90% ऑफ द पॉपुलेशन इसे गलत कर देगी, बट बिकॉज कि आपने मेरे लेक्चर अटेंड किए थे, आप इस क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे, गलत नहीं करोगे। देख लो जल्दी से, रट लो मेरे साथ, कितने अपाइकल है? 2 से लेकर 8 अपाइकल इक्वल होने वाले हैं। यस भैया, तो अभी इसके हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पर। यस भैया आ जाओ, तो इसके एग्जांपल्स देखना। विजुक, विजुक एक ट्रिक है, आप खुद की भी ट्रिक बना सकते हो। मैंने तो ऐसे ही याद किया था, वोल्वॉक्स पायरो गहरा यूलो थ्रिक्स काकार एज वेल एज द क्लाइमेटोबनस, ठीक है। मैं लिटरली आई वाज, मैं जब नीड एस्पिरेंट था ना, सो मैं अपने नो शॉर्ट नोट्स लेके से रिवाइज करता था, ठीक है। तो मैं ऐसे पढ़ते पढ़ते नाचता था, वोल्वॉक्स पायरो गहरा यूलो थ्रिक्स काकार क्लाइमेटोबनस, ठीक है। ऐसे आप भी नाच सकते हो, बट यहाँ पर एक ट्रिक दी है, तो यू कैन ऑलवेज रिमेंबर फ्रॉम दिस ट्रिक, ठीक है। यस, तो विजुक विजुक विजुक, ठीक है। तो वोल्वॉक्स हो जाएगा, स्पायरो गहरा हो जाएगा, यूलोथ्रिक्स हो जाएगा, कारा हो जाएगा, क्लाइमेटोबनस होने वाला है। समझ में आ रहा है ना रे? समझ में आ रहा है ना? ये मैंने पानी कहाँ पर रख दिया भाई? पानी कहाँ रख दिया भाई? जाने तो पानी की जरूरत भी नहीं है, सेशन की बात भी लेंगे जल्दी, ऐसे भी कवर होने वाला है। ऐसे तो हम अल्गी को कवर कर रहे हैं, फिर हम जाएंगे फाइवोफाइसी की तरफ बेटा। फाइवोफाइसी मतलब क्या आपका? ब्राउन अल्गी, ब्राउन मुंडे। यस, तो ये आपका मराइन होता है। खास चीज, प्लीज हाईलाइट दिस स्टेटमेंट, अगर पूछेंगे तो गलत करने के चांसेस हो जाएगा बेटा। ज्यादा आपका मराइन के अंदर पाया जाएगा। कैल्ब्स इनके अंदर होता है, कैल्ब्स एक बॉडी होती है, ज्विंग कैल्ब्स, पता है आपको सभी चीजें, बहुत बढ़िया। इनके अंदर होल फ्लास्ट जो होता है बेटा, ठीक है, होल फ्लास्ट आपका शो करता है आपका रूट, ये शो करता है आपका रूट, स्टाइप आपका स्टेम दिखाता है, और लीप आपका क्या होता है बेटा? फ्रॉन्ड होता है। क्यों? रीजन क्या है? थैलॉइड है, थैलॉइड टाइप ऑफ द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इनके अंदर पाया जाएगा। वेरी फाइन। यस, इज इट क्लियर? यस भैया, आगे चलो भैया। पिगमेंट्स कौन से हैं? क्लोरोफिल ए सी, ए बी ए सी ई डी, ए बी ए सी ए डी, इस तरीके से हमें याद करना था। इनके अंदर फ्यूकोजांथिन होता है, जैंथोफिल होता है, कैरोटिनॉइड होता है। फ्यूकोजांथिन उसके साथ आपका जैंथोफिल और उसके साथ आपका कैरोटिनॉइड इसके बीच में आने वाला है। यस, सो एक चीज देखना, जैंथोफिल जो आपको दिखाई देगा, सो द मीनिंग ऑफ जैंथो इज येलोइश ब्राउन ओनली, ठीक है। ये चीज मुझे पहले से भी पता थी, तो जैंथो मतलब पता थी, मतलब डायरेक्टली पता नहीं थी, बट आई वॉज हैविंग सम आइडिया ऑफ इट। तो एक्चुअली इसे आप कह सकते हो कि येलोइश ब्राउन कलर होता है, सो दैट इज सो वाई जहां पर भी जैंथो दिखाई दे उसे आपको ब्राउन एल्गी कंसिडर करना है, ठीक है, मतलब ज्यादा दिमाग नहीं खाएगा। यस क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। यस भैया आगे बढ़ो, आपको कौन रोक सकता है? तो देखना, सेल वॉल कोट होती है बेटा, एल्गिन की कोट होती है। हमने क्लोरोफाइसिन के अंदर देखा था बेटा सेल्यूलोज का था, और उसके अंदर पेक्टिन का आपका एक कोट होने वाला था, बट इनके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इनके अंदर आपका कोट ऑफ एल्गिन हो जाएगा। फूड स्टोरेज लैमिनेरिन एज वेल एज द मैनिटोल के फॉर्म में होता है, एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में होता है। सो आई रिमेंबर वंस आई रिमेंबर कि मैं और मेरा कजिन साथ में पढ़ाई करते थे, तो हमारे घर में एक बार ना मेरा बहुत फेवरेट फूड बना था, एंड मेरी मौसी ने मुझे सर्व भी कर दिया। बट व्हाट हैपेंड, माय यंगर ब्रदर, सॉरी एक जस्ट सेकंड, मैं कजिन जो था उसने मुझे एक क्वेश्चन पूछ लिया कि मुझे जल्दी से बता दें फाइव फाइव सी के अंदर फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है।
सो मैंने बहुत सोचा एंड कहा कि लैमिनेरियन एज वेल एज द मैग्नेटोर, बट ही स्टिल वॉज कि यार तुझे और कुछ तो रह गया है, और कुछ तो रह गया। एंड मैंने अपना फेवरेट खाना स्टार्ट नहीं किया बिकॉज आई वॉज लाइक यार इसका आंसर मुझे आना ही चाहिए क्योंकि मैंने तो अच्छे से पढ़ा है। आई टुक 5 मिनट्स, आई टुक 10 मिनट्स एंड मैंने अपना खाना स्टार्ट नहीं किया। उसके बाद में मुझे याद आया, हाँ यार 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 ठीक है, रोटी को देख के याद आ गया कि द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट शुड बी द करेक्ट आंसर। एंड दैट थिंग, दैट प्रीटी थिंग मुझे अभी भी याद है। सो दिस इज द राइट थिंग यार, कि ये चीज आपको दिखाती है वॉट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द डिस्कशन। सो हियर वॉट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट डिस्कसिंग द एनसीईआरटी। सो दिस सीरीज कैन चेंज योर लाइफ, दिस सीरीज कैन मेक यू परफेक्ट इन योर बायोलॉजी। So yes, I deserve a like again. Please like this session. Yes. So laminar as well as the mannitol complex carbohydrates के form में होते हैं। Carbo complex के इसमें बेटा मतलब complex carbohydrates के form में होते हैं। Reproduction, vegetative again fragmentation. Vegetative fragmentation ही देखा था ना। सबके अंदर क्या है? Fragmentation है। Very good. तो इसके अंदर asexual spores, आपके zoospores हमने पहले भी देखा था, motile okay. Sexual isogamous, anisogamous, oogamous okay. Phyophysi, chlorophysi. मतलब मैं कैसे दिख रहा हूँ, कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है, मेरा नजर आपकी तरफ होना चाहिए। तो एक चीज देखना, इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपके तीनों के थ्रू भी होने वाला है, ठीक है, यस। तो इनके अंदर फिर से एक चीज कि कितना फ्लैजला कितना होता है बेटा, 2 लैटरल अनइक्वल। इन्होंने डायग्राम दिया है, सो आई लाइक दिस थिंग बेटा, मुझे बहुत ही चीज पसंद आई। सो फ्लैजेला हैज 2 एंड दे आर द लैटरल एज वेल एज द अनइक्वल। एक ऐसा रहेगा कुछ, एक ऐसा रहेगा, एक ऐसा रहेगा कुछ, एक ऐसा रहेगा, अनइक्वल होता है बेटा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द देयर गैमेट्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक लाइन दिखाई दी, बोथ ज़ूस्पोर्स एंड द गैमेट्स आर बायफ्लैजेलेट्स पियर शेप। पियर शेप के होते हैं, बायफ्लैजेलेट्स होते हैं। पियर शेप के होते हैं, बायफ्लैजेलेट्स होते हैं बेटा। बहुत ही कतई 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 इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, कतई इंपॉर्टेंट चीज है, इसे याद करना, ठीक है। फ्लैजेला 2 लैटरल अनइक्वल, ठीक है। डायग्राम दी है बेटा, मुझे डायग्राम बहुत ज्यादा पसंद आई, आई जस्ट लव दिस बुक, यस। ये चीज आपको दिखाई दी, एग्जाम्पल्स फ्लैट्स, ठीक है। इसका क्या था, इसका क्या था, इसका क्या है बेटा, फ्लैट्स, इसका क्या फ्लैट है। तो मैंने कैसे याद किया था, मैंने इसे याद नहीं तो किया था, शॉर्ट शॉर्ट एक्टियोटा डिक्टियोटा लमिनेरिया सर्गासम फ्यूकस। मैं अपने सेशन के अंदर भी बहुत बार बताता हूँ, एक्टियोटा डिक्टियोटा लमिनेरिया सर्गासम फ्यूकस, मतलब एक्टोकार्पस डिक्टियोटा लमिनेरिया सर्गासम फ्यूकस, एक्टियोटा डिक्टियोटा लमिनेरिया सर्गासम फ्यूकस। चलो जल्दी से मेरे साथ गाओ, एक्टियोटा डिक्टियोटा लमिनेरिया सर्गासम फ्यूकस। अगर मेरे साथ नहीं गाएगा तो तेरा ये याद नहीं रहेगा, एंड बाकी के बच्चे याद कर लेंगे, बाकी के बच्चे याद कर लेंगे, उनका स्कोर ज्यादा होगा, उनका सिलेक्शन होगा, तेरा नहीं होगा। नहीं चाहता कि तेरा सिलेक्शन हो, चाहता है ना, ऑकवर्ड फील हो रहा है क्या घर के सामने, मुझे नहीं होता होगा क्या। तो जस्ट पता है मेरे सराउंडिंग में भी अभी लोग बैठे हैं, मेरे सराउंडिंग में अभी लोग हैं, बट तुझे ऐसे फील हो रहा है क्या, क्या? मैं मतलब अकेला नहीं हूँ। चिल्लाओ यार, क्या होता है अकवर्डनेस, क्या होता है, कुछ नहीं होता है। मार्क्स बनना है, डॉक्टर बनना है, करना है, ठीक है। चलो जल्दी से एक्टियोटा डिक्टियोटा लमिनेरिया सर्गासम फ्यूकस डिक्टियोटा लैमिनेरिया सर्गासम फ्यूकस। बहुत बढ़िया, आगे जाएंगे, मजा आता है भैया, ठीक है। कैसे नाचते हो भैया, ठीक है, थैंक यू। चलेगा, आगे बढ़ेंगे इस सेशन के अंदर, पहले रोडोफाइसी की तरफ जाएंगे। रोडोफाइसी मतलब क्या होती है, क्या होता है भाई, ये हमारी रेड एल्गी इंपॉर्टेंट है बेटा, इंपॉर्टेंट है क्यों, क्योंकि थोड़ा सा डीप होती है, इसके पास पिगमेंट्स अलग है, ये थोड़ा सा स्पेशल होती है। तो पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए एज वेल एज द क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ए एज वेल एज द क्लोरोफिल डी इसके बीच में होता है, यस, यहाँ तक है, नहीं हाथ नहीं जाता बट ऊपर है। तो एक चीज देखना, इसके अंदर फाइकोएरिथ्राइथ्रिन भी है, फाइकोएरिथ्रिन भी है इसके बीच में, एरिथ्रिन मतलब आपका रेड होता है, एरिथ्रिन कह सकते हो, एरिथ्रिन कह सकते हो, इंग्लिश हमें कुछ लेना देना नहीं है, वी डोंट केयर अबाउट दैट वर्डिंग, बट स्टिल हमें याद करना है, दैट्स द ओनली थिंग। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ द सेल्यूलोज एंड विद द कोट ऑफ पॉलीसल्फेट एस्टर्स, दैट इज द पेक्टिन, ठीक है। तो क्लोरोफाइसी के अंदर भी कुछ ऐसे ही देखा था, फायोफाइसी के अंदर बदल गया था, अल्गिन था, अभी रोडोफाइसी के अंदर भी सिमिलर थिंग, ठीक है। फूड स्टोरेज इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडियस स्टार्च एंड ऑल्सो द ग्लाइकोजन ना, ठीक है। सो ग्लाइकोजन ऑल्सो द ग्लाइकोजन यस। रिप्रोडक्शन होता है वेजिटेटिव से, फ्रेगमेंटेशन कॉमन है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पूछेगा तो फ्रेगमेंटेशन इज द कॉमन थिंग। नो फ्लैजेला बेटा, नो फ्लैजेला नहीं होता है। ऊगैमस दिखाई देगा,
ठीक है, असेक्सुअल नॉन मोटाइल जूस्पोर्स होते हैं, सेक्सुअल नॉन मोटाइल गैमेट्स होते हैं। नॉन मोटाइल गैमेट्स क्यों? क्योंकि फ्लैजिला नहीं होता है, फ्लैजिला अब्सेंट होता है, इंपॉर्टेंट चीज है। एग्जाम्पल्स पीपीजीजी, पोरफायरिया आपका पॉलीसाइफन हो जाएगा, जेलिडियम ग्राइशेरे। जेलिडियम ग्राइशेरे क्या बनाते हैं? जेलिडियम ग्राइशेरे क्या बनाते हैं? हमने देखा था ना, नहीं मैं आपको बस हाईलाइट करा के दिखा रहा हूँ क्योंकि ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर कुछ भी छूटा नहीं है, आपको पता है जहां पर होगा उसे हाईलाइट कर लो। यस, अभी मैं आपको जो चीज कही थी मैंने, ये एक ऐसी चीज है जो कि आपका दिल खुश कर देगी। जस्ट लुक एट दिस, क्या बवाल चीज है बे, क्या बवाल चीज है। मतलब हर एक छोटी ना छोटी डिटेल हैव बीन कवर्ड इन दिस चार्ट, हैव बीन कवर्ड इन दिस चार्ट। सो अगर 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 अभी मेरा इसी डायरेक्शन में अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, अपने पापा को ये स्क्रीनशॉट भेज देना, एंड ये स्क्रीनशॉट भेजने के बाद पापा को बोलो या पापा इसका प्रिंट लेके आना, उसे चिपका देना। मैंने ये क्यों कहा? क्योंकि ये आपको मेरी याद दिलाएगा। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। ओके, थोड़ा सा और साइड में हटता हूँ मैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, ले लिया। अभी क्या करूँ? पापा को बोलो कि इसका एक प्रिंट निकाले और चिपका दो दीवार पर। मुझे काटना नहीं है बेटा, क्योंकि वो चीज़ आपको याद दिलाती रहेगी कि भैया ने टॉपिक पढ़ाया था, एंड देन आप इस टॉपिक को फिर से एक बार रिवाइज कर लोगे, ठीक है। अदरवाइज द सेकेंड थिंग यू कैन डू इज सिंपली यू कैन मेक योर ओन चार्ट विद द हेल्प ऑफ योर पेन एंड द पेंसिल, बट ज़्यादा इसे मतलब ज़्यादा रंगा रंगोटी मत करना, ठीक है। मेक इट सिंपल, कीप इट सिंपल, सो यू कैन कीप दिस थिंग्स विथ यू, ठीक है। सो ठीक है, आगे बढ़ेंगे चार्ट की तरफ। मैं मतलब चार्ट बहुत पसंद आया मुझे, आई डोंट नो व्हाई, बट चार्ट बहुत ज़्यादा पसंद आया। चलो थोड़ा सा झुक के पढ़ाता हूँ। तो भैया आपकी हाइट कितनी है? इतना झुकना पड़ रहा है। मेरी हाइट है ऑलमोस्ट 6'1" to 6'2", ठीक है। तो इतनी मेरी हाइट आराम से बेटा। तो हाँ, माना कि थोड़ी सी ज़्यादा हाइट है एंड मज़ा आता है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अभी हम देखेंगे बेटा क्लोरोफाइसी, फायरोफाइसी, रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी, फायरोफाइसी, रोडोफाइसी पिगमेंट्स कौन से? ए बी, ए सी, फ्यूकोजेंथिन, ज़ैंथोफिल, एज वेल एज द ए डी 5-chlorothrin। याद करो जल्दी से, ठीक है। हमने ये चीज़ें पहले भी देखी है। सेल वॉल सेलुलोज होता है, कोट ऑफ पेक्टिन होता है, कोट ऑफ अल्गिन होता है, और यहाँ पर आपका 5-phosphate esters होते हैं। क्या होता है? यहाँ पर आपका पेक्टिन होता है, अल्गिन होता है, 5-phosphate आपके esters होते हैं। यस, फ्लैजला क्या होता है बेटा? 2 to 8 अपाइकल अनइक्वल होता है, सॉरी इक्वल होता है, 2 lateral होते हैं, अनइक्वल होता है, और एक आपका अब्सेंट होता है। फूड स्टोरेज पैरानोइड्स के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं पैरानोइड्स, स्टार्च और प्रोटीन ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, मैनोटोल एज वेल एज द लैमिनेरिया, और इसके बीच में आपका फ्लोरिडियन स्टार्च होता है, फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। एग्जाम्पल फ्लूइड्स एंड द पीजीपीजी एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, तीनों के अंदर आपका बेटा फ्रेगमेंटेशन के थ्रू किया जाता है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस भैया, अलगी तो बहुत अच्छे से पता चला, इतना ही है, ज़्यादा नहीं है। विल टेक फ्यू मिनट्स मोर। मैं कितना डिटेल में पढ़ा रहा हूँ यार, तो डिटेल में पढ़ाना है तो मुझे थोड़ा वक्त भी लगेगा ना यार। अगर इतना डिटेल में नहीं पढ़ाता तो आराम से हो जाता। वह डिटेल में पढ़ रहे हैं ना, एनसीईआरटी की हर लाइन को कवर कर रहे हैं। हाउ मच टाइम हैव कवर्ड? इट्स 27 minutes ओनली, सो विल टेक 15 to 20 minutes मोर एंड दैट्स इट ओनली। तो इस चैप्टर को रिवाइज करने के लिए इट विल टेक नॉर्मली 3 to 4 hours एट द नॉर्मल कंडीशंस, एंड दिस टॉपिक इज मच वोलेटाइल। So if you don't watch this session regularly or revise this session regularly, आप इस चीज़ को भूल जाओगे, आई एम वेरी श्योर। सो देन इज द प्रायोफाइट्स। प्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ प्लैंकिनम कहते हैं, रहते जमीन पर, बट सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के लिए, एक्चुअली सॉरी रिप्रोडक्शन के लिए इनके अंदर वाटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एसेंशियल थिंग फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैमेट्स। इट इज कॉल्ड एज आपके एम्फीबियंस। थैलस लाइक होता है बॉडी फॉर्म, फॉर फॉर्म थैलस लाइक मतलब क्या? डिवाइडेड नहीं होता प्लांट के अंदर, ठीक है। इरेक्ट होता है, राइजोइड्स होते हैं रूट्स की तरह, मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर होते हैं। राइजोइड्स प्लीज इंपॉर्टेंट, राइजोइड्स आपके यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर होते हैं। इसकी बॉडी भी थैलस लाइक होती है, अभी तक भी ज़्यादा डिफरेंशिएटेड इसकी बॉडी नहीं होने वाली है। यहाँ पर नो ट्रू लीव स्टेम्स एंड द रूट्स इसके बीच में नहीं होने वाला। यहाँ पर आपको लिवर वर्ड्स पढ़ना है बेटा, लिवर वर्ड्स का स्ट्रक्चर डॉर्सी वेंट्रल याद कर लो। थैलस जो है बेटा उसका डॉर्सी वेंट्रल है, याद कर लो, याद कर लो, इज मच इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद कर लो। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैं थोड़ा सा साइड में हटता हूँ, अरे यार क्या जूम ब्लर क्यों होगा? यस ठीक है। और इसके साथ एपरेस्ट टू द सबस्ट्रेट होता है। लीव्स बेटा 2 rows के अंदर इसके अरेंज होते हैं। लिवर्स के अंदर जो लीव्स होते हैं वो आपके 2 rows के अंदर अरेंज होते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा फ्रेगमेंटेशन से होता है थैलस का। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? थैलस का फ्रेगमेंटेशन होता है। और यहाँ पर गेमा कप्स होते हैं। गेमा कप्स कैसे होते हैं? ग्रीन होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, इनका फ्रेगमेंटेशन हो जाता है, गेमा निकलता है और एक नया प्लांट बॉडी निकल के आ जाता है, ठीक है। इज इट क्लियर? कैसे होता है? ग्रीन होता है, मल्टी सेलुलर होता है, फ्रेगमेंट हो जाएगा, आपका एक नई बॉडी आ जाएगा। गेमा इज ऑल्सो द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन इसके अंदर भी हो जाएगा आपका।
एग्जाम्पल है मर्क्यादिया, एक ही एग्जाम्पल यहां पर दिया है एथरो। लीवरवर्ट का एग्जाम्पल क्या है, व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ लीवरवर्ट। सो इफ आई आस्क यू, सो इन विच ऑफ द फॉलोइंग 10 और द 15 एग्जाम्पल्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज पजेसिंग यूर गेमा कब्स, सो द सिंपलेस्ट आंसर इज शुड बी द मर्क्यादिया बिकॉज इट इज द लीवरवर्ट, इट इज द लीवरवर्ट। एंड द नेक्स्ट वन इज द मॉस, लीवरवर्ट वी हैव कवर्ड, नेक्स्ट वन इज द मॉस। तो इट इज हैविंग द गैमेटोफाइट, फर्स्ट स्टेज हमारा प्रोटोनेमा होता है, प्राइमरी प्रोटोनेमा आपका लीफी स्टेज, सेकेंडरी प्रोटोनेमा ये चीज आपको पता है। सेकेंड आपका स्टेज होता है लीफी स्टेज, स्पाइरली अरेंज लीव्स होती है, यहाँ पर ही अपना फ्रेगमेंटेशन दिखाता है बेटा, ये चीज आपको पता थी। आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स कहाँ पर डेवलप होते हैं ये चीजें आपको अच्छे से पता होगी, यस ठीक है। प्रोटोनेमा, लीफी स्टेज, सेकेंडरी प्रोटोनेमा, आपके लीफी स्टेज के अंदर स्पाइरली अरेंज लीव्स होते हैं। बट व्हाट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, यहाँ पर लाइफ साइकिल दिया है, लाइफ साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो जल्दी से मेरे साथ कर लो, नॉट इन टेक्स्ट बुक बट इन्फॉर्मेशन इट कन्वेज इन द टेक्स्ट बुक। तो इन्फॉर्मेशन सभी आपकी टेक्स्ट बुक की है बट दिस चार्ट डज नॉट बिलोंग टू योर टेक्स्ट बुक, सो प्लीज टेक अ स्क्रीन शॉट, टेक अ स्क्रीन शॉट क्विक क्विक क्विक, जल्दी से अच्छी पोज में लेना बेटा, नहीं तो मैं ऐसा गंदा भद्दा दिखकर उसका जो अगर स्क्रीन शॉट ले लिया, अच्छा दिखना चाहिए मैं स्क्रीनशॉट के अंदर, मैं अच्छा दिखना चाहिए ठीक है। आई वाज जस्ट किडिंग ठीक है, बट प्लीज़ यार अच्छा दिखने में थोड़ा सा स्क्रीनशॉट निकाला करो, अच्छा लगता है। सो लेट डिस्कस दिस सेशन। सो द ब्रायोफाइट्स, सो ब्रायोफाइट्स आर द एम्फीबियंस ऑफ योर प्लांट किंगडम। सो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, जायगोट से, जायगोट से करेंगे, ओके लेट स्टार्ट फ्रॉम द जायगोट। सो जायगोट इज द टूयन ग्रोज इन द आर्किगोनियम। जायगोट इज द डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बिकॉज इट इज गॉट फ्यूजन फ्रॉम द मेल एज वेल एज द फीमेल गैमेटोफाइट ठीक है, तो जिसकी वजह से ये आपका डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, ये स्पोरोफाइट बनाएगा ठीक है, इसके ऊपर ग्रो करता है, फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर स्पोरोफाइट ग्रो करेगा, फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर स्पोरोफाइट ग्रो करेगा। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एसेंशियल चार्ट, ऐसा चार्ट मैंने अपनी जिंदगी में देखा नहीं है। तो ये क्या करेगा, स्पोरोफाइट ऑब्वियसली डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है ठीक है, हमें क्या करना है, हमें हैप्लॉयड स्ट्रक्चर बनाना है, मियोसिस करना पड़ेगा, स्पोर्स बनेंगे, क्या बनेगा बेटा, स्पोर्स बनने वाले हैं मियोसिस के बाद, ये चीज आपको पता चली। तो अभी स्पोर्स बनने के बाद क्या होने वाला है, स्पोर्स बनने के बाद आपका मेल और फीमेल के बीच में डिस्टिंग्विश हो जाएगा, यहाँ पर प्रोटोनेमा लिखा है बट लिखने की कोई जरूरत नहीं वैसे। तो यहाँ पर देखना, मेल गैमेटोफाइट आपका हैप्लॉयड, मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम, फीमेल गैमेटोफाइट आपका यन, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम। किससे बने, स्पोर्स से बने, स्पोर्स से क्या बना, मेल गैमेटोफाइट बना, स्पोर्स से क्या बना, फीमेल गैमेटोफाइट बना। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो देन प्लीज रीड वंस योर टेक्स्ट बुक, एक बार टेक्स्ट बुक पढ़ना जरूरी है क्योंकि आपकी बेसिक नॉलेज ठीक नहीं, अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है तो देन द आंसर शुड बी द टेक्स्ट बुक, एक बार पढ़ के देख लो अच्छे से। बट मैं जानता हूँ कि 99% बच्चों को समझ में आ रहा होगा क्योंकि ये सिंपल चीज़ है, क्योंकि दिस डायग्राम इज द ओनली सिंपल थिंग। मेल सेक्स ऑर्गन आपका एंथ्रीडियम है बेटा, मेल गैमेटोफाइट है, फीमेल आपका गैमेटोफाइट, फीमेल सेक्स ऑर्गन आपका आर्किगोनियम है, एंथ्रीडियम मेल, आर्किगोनियम फीमेल हो जाएगा यस। तो ये क्या करेंगे बेटा, बायोफ्लैजलेट एंथ्रोसाइट्स बनाते हैं, ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, बायोफ्लैजलेट एंथ्रोसाइट्स बनाते हैं, स्विम करते एक तक, ये एक हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जायगोट बन जाएगा, जायगोट के ऊपर फिर से आपका स्पोरोफाइट ग्रो करेगा, स्पोरोफाइट आपका डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, मियोसिस करेगा, स्पोर्स बनाएगा, मेल आपका एंथ्रीडियम, फीमेल आपका आर्किगोनियम, या आपका एक बनाएगा, ए आपका एक बनाएगा, आपका स्पर्म का टाइप आपका बायोफ्लैजेलेट एंथ्रोसाइट बनाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जायगोट बनेगा, स्पोरोफाइट बनेगा उसके ऊपर, मियोसिस करेगा, स्पोर्स बनेंगे, हैप्लॉयड, या पर फिर से मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट, फर्टिलाइजेशन, फिर से आपका जायगोट, फिर से स्पोरोफाइट, फिर से मियोसिस, फिर से जायगोट, ये साइकिल चलता रहेगा। बिटवीन स्पोर्स एंड द गैमेटोफाइट्स मियोसिस हैव प्रोटोनेमा स्टेज एंड द लीफी स्टेज, इसे हाईलाइट कर लो, ये आपके बस मॉसिस के अंदर होने वाला बेटा ठीक है, ये बस आपके मॉसिस के अंदर होने वाला, इज इट क्लियर, यस क्लियर नहीं भी है तो अभी हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा, आप इसे फिर से रिकॉर्डेड सेशन को बैक जाके थोड़ा सा देख सकते हो, बट वी हैव अ वेरी लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम। मॉसिस एंड द लाइकेन जो है बेटा, मॉसिस एज द लाइकेन जो है, ये फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स है जिन्होंने हमारा रॉक को कोलोनाइज किया था, दीज आर द फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स विच हैव कोलोनाइज द रॉक्स, विच हैव कोलोनाइज द रॉक्स। The examples are the SPF, the sphagnum, the polytrichum, as well as the funaria. Sphagnum, polytrichum, funaria. Sphagnum, polytrichum, funaria. ये examples याद करना ही है, this is the must thing. अगर आप नहीं करोगे तो I'm very sure कि इसके अंदर मेरा नुकसान कोई नहीं है, ये आपका नुकसान है ठीक है। तो अगर आप इस चीज को सीरियसली नहीं लेते तो मेरा क्या जाने वाला है ठीक है, मैंने तो अपना फंक्शन कर लिया ना, वट इज माई ड्यूटी, वट इज माई फंक्शन, कि मैं आपको हर एक चीज से एक तल्लुक करा दूँ, कि आपको पढ़ा दूँ कि बेटा ये आ सकता है, ऐसे हो सकता है, मैं आपको रिक्वेस्ट कर दूँ कि पढ़ लो, बट पढ़ना या तो नहीं पढ़ना टोटल डिपेंड्स अपन यू। तो अगर आप प्यारे अच्छे बच्चे हो देन आप पढ़ोगे इस चीज को ठीक है। स्पैग्नम जो है बेटा,
पीट की तरह यूज करते हैं। स्पैग्नम हमारा आपको पता है हमारा एक क्या है बेटा, लीवर वर्ट है या मॉस है। यस, तो पैकेजिंग मटेरियल के लिए भी यूज किया जाता है, हाइग्रोस्कोपी होता है, इसके पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। जस्ट इमेजिन, ये मैं हूँ, मैं एक फार्मर हूँ, मैंने फूलों की खेती की है, तो मैंने पास जितने भी प्यारे फूल उगे हैं बेटा, उनका ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा एसेंशियल होती है। सो यू हैव टू लुक एट द फिगर 3.2 पेज नंबर 34 एनसीईआरटी 11। यस, गॉट इट। चलो नेक्स्ट आगे मुड़ते हैं, क्वेश्चन है, पढ़ लो अच्छे से, इस क्वेश्चन को पढ़ लो। इधर डायग्राम ए, डायग्राम पॉइंट आउट एन ऑर्गन फॉर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड एन ऑर्गन फॉर द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। डायग्राम को देखने को कहा है, एंड द फॉर अर्किगोनियस फॉर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन गेमा कप्स असेक्शुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज वाई यू शुड डू डायग्राम थोरोली। प्लीज देखना इस क्वेश्चन को, देख लो, डोंट अंडर एस्टिमेट दिस क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज मच इंपॉर्टेंट बेटा, प्लीज डोंट अंडर एस्टिमेट दिस क्वेश्चन। जल्दी से एनसीईआरटी उठाओ, मैं तब तक अपना पानी लेके आता हूँ। एनसीईआरटी उठाई क्या बे, उठा ली ना, पढ़ लो जल्दी से एनसीईआरटी को, इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे तो पर्सनली फील होता है कि ये सच में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेरी जो माइक की वायर है ना, बहुत ही लंबी है, लिटरली मैं अभी मेरे बेडरूम तक जाके आया, मतलब दिस इज द हॉल एंड देन आई हैव माय किचन एंड देन नेक्स्ट वन इज माय बेडरूम। सो ये वहां तक मैं चल के क्लास में बोलते बोलते समय जाते आया, सो दैट इज द वेरी स्ट्रेंज थिंग, बट अच्छा लगा। यस, पढ़ लो, देख लिया डायग्राम, नेक्स्ट पेज पढ़ लो, तब तक ये टेरिडोफाइट का एक बार लाइफ साइकिल देख लो, देख लो, खुद से देख लो। इस सेशन का नेक्स्ट पार्ट आएगा जब आप इस सेशन को बहुत ज्यादा सपोर्ट करोगे, मेरा खुद का ग्रीडनेस। डाउट्स पूछो कमेंट्स के अंदर, कुछ अपनी राय दो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कुछ भी बता दो, एज वेल एज इस सेशन को लाइक कर देना ताकि मेरा मोटिवेशन भी बना रहेगा। यस, आगे बढ़ेंगे, फाइन भैया बढ़ो, हमारा ब्रेक, थैंक यू भैया, थैंक यू फॉर द ब्रेक। टेरिडोफाइट्स लाइफ साइकिल डायग्राम है बेटा, एनसीईआरटी में नहीं है बट आपके टेक्स्ट बुक के रिलेटेड सभी इसके अंदर डेटा होने वाला है। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, मुझे बता सकता है कोई इसके अंदर कहाँ से स्टार्ट करेंगे? तो कभी भी हम सभी चीज़ें जायगोट से स्टार्ट करते बेटा, क्योंकि जायगोट से ना आगे की प्रोजनी बनती है। तो लुक एट हियर, जायगोट इज द डिप्लॉयड स्ट्रक्चर ग्रोज इन द आर्किगोनियम। इस चीज़ को सबसे ज़्यादा याद रखना क्योंकि आपका प्रिकर्सर था, यही तो चीज़ थी बेटा। जायगोट इज द डिप्लॉयड स्ट्रक्चर ग्रोज इन द आर्किगोनियम, तो इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी होने वाली है। Then it will form sporophyte, that is the diploid structure and that is the dominant phase. So please highlight once again this statement. This statement is much important. Please in your NCERT, आपका जो pteridophyte section है वहाँ पर please ऊपर लिख देना, what is the dominant phase? The dominant phase is the sporophyte in your pteridophytes. Then your what does happen, the meiosis. अगर sporophyte meiosis करेगा तो क्या बनाएगा? Obviously चीज़ है, sporophyte है, meiosis करेगा spores बना देगा। तो मियोसिस क्या कर देगा बेटा? स्पोर्स बना देगा। मियोसिस था, डिप्लॉयड का स्ट्रक्चर हैप्लॉयड हो जाएगा, दैट इज द सिंपल थिंग। ठीक है, अभी एक चीज देखना, अभी इसके अंदर आपका जो गैमेटोफाइट है बेटा, गैमेटोफाइट बनेगा, मेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम बनेगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन आपका आर्किगोनियम बनेगा। ओके, यहाँ पर आर्किगोनियम दिया बेटा, ठीक है, ये चीज आपकी गलत हो गई। तो क्या हो गया, आपका जो स्पोर होता है बेटा, आपका मेल एज वेल एज द फीमेल सेक्स ऑर्गन बना देगा। ये जो आपका एंथ्रिडियम था बेटा, यहाँ पर एंथ्रिडियम होना चाहिए था, एंथ्रोडर्ट बनाएगा, क्योंकि स्विम करेंगे एक तक आर्किगोनियम के, वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा, डिप्लॉयड जायगोट बनेगा, उसके अंदर आपका एक डोमिनेंट फेज आती है स्पोरोफाइट की, मियोसिस होगा, आपका स्पोर बनेंगे, मेल आपका एंथ्रेडियम बनेगा, फीमेल आर्किगोनियम बनेगा, एंथ्रोजाइट बनेंगे, स्विम करेंगे पानी के थ्रू और जाके आर्किगोनियम के साथ मिलकर फर्टिलाइजेशन करेंगे, फर्टिलाइज करने के बाद आपका जायगोट बनेगा, स्पोरोफाइट बनेगा, मियोसिस करेगा, स्पोर्स बनेंगे, एंथ्रेजॉइड्स बनेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे, जायगोट बनेगा। इट इज़ क्लियर, चार बार दोहराया। मैं अपनी इतनी एनर्जी इसके अंदर क्यों इन्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये इतना ज़्यादा वर्थ इट होने वाला है। नोट, मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स आर होमोस्पोरस। एक चीज़, मेजॉरिटी जो है बेटा आपके टेरिडोफाइट्स आर द होमोस्पोरस, दैट इज मेक वन टाइप ऑफ द स्पोर दैट डेवलप्स इनटू द बायसेक्सुअल गैमेटोफाइट। प्लीज नोट डाउन दिस स्टेटमेंट, बायसेक्सुअल गैमेटोफाइट मतलब क्या बेटा? आपका आर्किगोनियम एंथ्रोजॉइट्स एक ही ऑर्गन पर होने वाला है, एक ही आपके एक ही बंदे पर, एक ही स्ट्रक्चर पर होने वाला है, विथ मेल एंड द फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, सेलाजिनेला एज वेल एज द सेल्वेनिया। प्लीज हाईलाइट दिस स्टेटमेंट,
सेलाजिनेला एज वेल एज द सेल्विनी आर द हेटरोस्पोरस, मतलब क्या होता है, दो डिफरेंट टाइप ऑफ द स्पोर्स बना देंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से पता चल चुकी है। एंड इनके अंदर रूट्स होते हैं, स्टेम होता है, लीव्स होता है, जाइलम फ्लोएम होते हैं, वेस्कुलर ऑर्गन्स इनके अंदर सबसे पहले आए हैं, ठीक है, इन द इवोल्यूशन। देखना कितना बढ़िया आपको एक्सप्लेन किया है। गैमेटोफाइट बेटा आपका प्रोथैलस होता है, गैमेटोफाइट क्या होता है, प्रोथैलस होता है। माइक्रोफिल्स जो होते हैं बेटा वो सेलाजिनेला होने वाला है, माइक्रोफाइल्स जो होता है आपके फंस के अंदर पाए जाएंगे, माइक्रोफिल्स आपके सेलाजिनेला के अंदर, एंड माइक्रोफिल्स जो बेटा फंस के अंदर होने वाला है। स्ट्रोबिलाई कौन इन द सेलाजिनेला एज वेल एज द इक्विसेतम, ये हमारे स्ट्रोबिला इनके अंदर प्रेजेंट होता है मेरे दोस्तों। यस, द डेवलपमेंट ऑफ जायगोट इन द एम्ब्रियो टेक्स प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट, दिस इवेंट इज द प्रीकर्सर टू द सीड हैबिट इंपॉर्टेंट इन द स्टेप ऑफ द इवोल्यूशन। मतलब क्या, आप जो एंजियोस्पर्म देखते हो, आप जो जिम्नोस्पर्म देखते हो, वो चीज है, इसकी प्रीकर्सर है, इस चीज की वो प्रीकर्सर है। सो दैट इज सो व्हाई द डेवलपमेंट ऑफ द जायगोट इन टू द एम्ब्रियो टेक्स प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट। सो प्लीज लुक एट हियर, द डेवलपमेंट ऑफ जायगोट into the embryo is takes place within the female gametophyte. So this step is the precursor step in the step of your evolution. So evolution aage bada, then happened to your gymnosperm and then moved into your angiosperm. Is it clear? Say once, yes, bhaiya, yes sir, yes. So what is the importance of your teratophytes? They are the medicinal plants, they are the soil binders, as well as they are the ornamental. Okay, 45 minutes have been covered. So then please wait for the 10 minutes. Please wait for the 10 minutes. We'll cover very soon. 41 minutes only covered. So please 10 minutes only. ठीक है। तो टेरिडोफाइट्स मतलब ऑप्सिडा होता है बेटा। सिनोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, सिलोप्सिडा, टेरिडोफाइट्स। या प्लीज इसके ऊपर अगर क्वेश्चन आएगा, आई एम वेरी श्योर नीट 2023, नीट 2024, 2025 में इसके ऊपर क्वेश्चन आने वाला है। मार्क माई वर्ड, मार्क माई स्टेटमेंट, दिस इज द स्टेटमेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। सिनोप्सिडा इक्विसितम, लाइकोप्सिडा सेलाजिनेला लाइकोपोडियम, सिलोप्सिडा साइलोप्टम, एंड द टेरोप्सिडा के अंदर आपका डिप्टेरिस हो जाएगा, एडेमटाइप हो जाएगा, टेरिस आ जाएगा, डैप। तो इसकी ट्रिक आप खुद से याद कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन डू एनीथिंग, बट स्टिल इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर। सेलाजिनेला इज अ लाइकोप्सिडिया, इमेज सेलेना गोमेज लीकिंग समथिंग, इट्स वियर्ड बट इट्स वर्क फॉर मी। तो आप ये चीज कर सकते हो, ठीक है। एक्चुअली टू मोर ऑन इट्स अ वियर्ड थिंग ओनली, इट्स अ वियर्ड थिंग ओनली, बट स्टिल इट कैन वर्क। Yes, the next page will move to the gymnosperms, and then we have only this type of the section, and these are the common out of syllabus points, and we are not supposed to read common out of syllabus points. It is totally up to you कि आप पढ़ना चाहते हो और otherwise not पढ़ना चाहते हो, but still अब यहाँ तक cover करेंगे। So बस इतना ही page है, और उसके पास बस इतना ही page है। Yes, so then next one is the gymnosperms. बेटा इनके पास ovaries नहीं होती है, so they are not having any ovaries. इनके पास कोई ovaries नहीं होती है। ये सभी कैसे भी सीड प्लांट्स होते हैं आपके, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स, हेटरोस्पोरस होते हैं, क्योंकि दो काइंड ऑफ द स्पोर्स बनाते हैं, एक तो माइक्रोस्पोर और आपका दूसरा मेगास्पोर। द फर्स्ट वन इज द माइक्रोस्पोर एंड द सेकंड इज द मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर, छोटा वाला, बड़ा वाला, मेल, फीमेल, इस तरह का साइकस। यहाँ पर बहुत ही बढ़िया चार्ट है, ठीक है, बहुत ही प्यारा चार्ट है। साइकस, सेड्रस, ओके, ये आपका पाइनस हो जाएगा। रूट जो होता है बेटा कोरोलाइड होता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के साथ, साइनोबैक्टीरिया के साथ, सिम्बायोटिक नहीं दिया है, ठीक है। माइक्रोरोजिया बेटा, माइक्रोरोजिया पता है आपको क्या होता है, फंजाई का आपका एसोसिएशन होता है हायर रूट्स ऑफ द प्लांट के साथ, ठीक है, हायर प्लांट्स के रूट्स के साथ। स्टेम अनब्रांच है, ब्रांच है, साइकस के अंदर अनब्रांच, पाइनस के अंदर ब्रांच है। लीफ पिनाइटली कंपाउंड लीफ है, ये आपका नीडल लाइक है। सेक्स है बेटा साइकस के अंदर यूनिसेक्सुअली, आपका बायसेक्सुअल है। इसके ऊपर वन क्वेश्चन शॉर्ट शॉर्ट, एक क्वेश्चन आने के चांसेस 90% है। अगर क्वेश्चन आएगा तो यही से आएगा, ठीक है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साइकस आपका सी यू पी है, साइनोबैक्टीरिया अनब्रांच, यूनिसेक्सुअल, पिनाइट लीव्स। पाइनस आपका एमबीबी है, माइक्रोरोजिया, ब्रांच एंड बायसेक्शन। भैया रुको, याद करने दो, याद करना है, आपकी खुद की ड्यूटी है, बाद में कर लेना, ठीक है। इस सेशन को बाद में आप स्टॉप कर सकते हो, इसे फिर से देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, एंड कभी भी देख सकते हो, कभी भी रिवाइज कर सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि एग्जाम से पहले इस वाले सेशन को कम से कम 5 बार देख लेना, क्योंकि बिकॉज एट द 2x speed और द 1.5x speed, एट द 1.5x speed, अभी फर्स्ट एक्सपीरियंस में देखना, बाद में 1.5x के अंदर देखना, इट विल टेक अराउंड 25 मिनट्स फॉर यू। सो इन 25 मिनट्स यू विल कवर मच थिंग्स, ठीक है, बहुत ज्यादा चीजें कवर करोगे। सेड्रस, पाइनस, स्टेम्स, ब्रांच होते हैं, ठीक है। एंड सेक्विया जो होता है बेटा आपका रेड वुड ट्री है, जायंट जिसे हम कहते हैं,
जायंट रेडवुड ट्री। तो यहाँ पर आपको एक डायग्राम कहने को देखने को कहा है, सी फिगर 3.4C एंड द जिंको द पेज नंबर 39 द 11th क्लास। इंपॉर्टेंट आ सकता है क्वेश्चन। लाइफ साइकिल डायग्राम एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, बट सभी इंफॉर्मेशन आपकी एनसीईआरटी की ओनली होने वाली। जिम्नोस्पर्म की करेंगे डिस्कस, आगे बढ़ेंगे। यस भैया बढ़ दो जल्दी से। तो जिम्नोस्पर्म बेटा स्टार्ट करेंगे जायगोट से, जायगोट से ग्रोइंग सीड द आर्कियोगोनियम ओविल बिकम सीड्स। क्या होता है बेटा, ओवरी नहीं होती, आपका ओविल सीड के अंदर बिकम हो जाएगा, जायगोट के अंदर हो जाएगा, स्पोरोफाइट बनेगा। ठीक है, स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट ये डिपेंडेंट हो जाएगा इसके अंदर। मेलकोन्स माइक्रोस्पोरेंजिया, फीमेलकोन्स मेगास्पोरेंजिया, इनके अंदर माइक्रोस्पोर्स होते हैं, मदर सेल्स जो कि 2N होती है, मेगास्पोर मदर सेल्स डिप्लॉयड होती है। मियोसिस करेगा, माइक्रोस्पोर मेगास्पोर बनेगा। माइक्रोस्पोर मतलब ही आपका रिड्यूस पोलन ग्रेन होता है, मेगास्पोर मतलब आपका आर्कियोगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन एक बनाएगा, आगे जाके फर्टिलाइजेशन कराएगा, जायगोट बनेगा। जायगोट के पास स्पोरोफाइट, मेल फीमेल, फर्टिलाइजेशन, जायगोट, फिर से इतनी ही चीज है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पापा को बोल सकते हो कि पापा एक प्रिंट लाओ और चिपका सकते हो, नहीं तो खुद से हाथ से निकाल सकते हो, कोई भी चीज़ आप कर सकते हो। ओनली दिस अमाउंट ऑफ, ठीक है, बस इतना ही हमें करना है एंड दैट्स इट, नथिंग ऑल। ठीक है, एंजियोस्पर्म्स नाम ही छुपा बेटा, फ्लावरिंग प्लांट्स है, फ्लावरिंग प्लांट्स, डबल फर्टिलाइजेशन होता है। डबल फर्टिलाइजेशन मीन्स क्या, तीन गैमी एज वेल एज द ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है, इनके बीच में होता है। ओल्फिया माइक्रोस्कोपी में सबसे छोटा ओल्फिया बेटा, एंड यूकेलिप्टस आपका 100 मीटर्स तक हो सकता है, बहुत बड़ा है। तो दोनों एग्जांपल्स दिए हैं आपको, एक फिगर देखने को है, आप देख सकते हो। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इंपॉर्टेंट थिंग, 5 स्टार। मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि इस पूरी चीज का एक PDF बना के इसका प्रिंट आउट ले लो, बहुत ही एसेंशियल है। हैप्लॉन्टिक है, गैमेटोफाइट यन डोमिनेंट होता है, आपका हैप्लॉइड जो होता है वो डोमिनेंट होता है, इसी से हम कहते हैं हैप्लॉइड। मोस्ट अल्की लाइक वोल्वॉक्स, स्पाइरो वगैरह, क्लाइमेटोमोनास, याद कर लो, इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वेरिएशन, गैमेटोफाइट यन होता है डोमिनेंट इन ब्रायोफाइट्स, और स्पोरोफाइट के अंदर टेरियोफाइट होता है। सो व्हाट इज द, किसकी हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, किसकी होती है, आपके ब्रायोफाइट की, आपके टेरियोफाइट की। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैप्लोडिप्लॉन्टिक, किसी के अंदर हैप्लोइड स्टेज आपकी डोमिनेंट, किसी के अंदर आपकी डिप्लॉयड स्टेज डोमिनेंट, बट दोनों स्टेज वेरिएशन करती है, एक दूसरे के अंदर पलटती है। सो यही इसका आंसर होने वाला है, यस। सो गैमेटोफाइट जो होता है बेटा वो आपका डोमिनेंट ब्रायोफाइट्स के अंदर, एंड द स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट इन योर टेरिडोफाइट्स, दैट इज द मच इंपॉर्टेंट थिंग। एग्जांपल्स आर द एक्टियोटा मतलब एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया, कैल्स, ब्रायोफाइट्स एज वेल एज द टेरिडोफाइट्स। एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया, कैल्स, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। डिप्लॉन्टिक के अंदर आपका स्पोरोफाइट डोमिनेंट होता है, हैप्लॉन्टिक के अंदर आपका गैमेटोफाइट डोमिनेंट होता है, फ्यूकस मतलब अलका है, जिम्नोस्पर्म एज वेल एज द एंजियोस्पर्म। इज इट क्लियर। ऐसी ही अगर अमेजिंग चीजें अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हो तो इस क्रैश कोर्स के अंदर एनरोल हो जाओ, कोड यूज करना है BD1 ही यूज करना है, ठीक है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वुड लाइक टू ऐड हियर, मच इंपॉर्टेंट थिंग, मेरी क्वेश्चन की प्रैक्टिसिंग की एक क्लास होती है, अन एकेडमी को डाउनलोड करना है बेटा, इंपॉर्टेंट चीजें सुनना, मिस स्किप मत करना, नहीं तो सेशन हो गया मैं स्किप करूंगा ना, इंपॉर्टेंट चीजें। अन एकेडमी की स्पेशल क्लासेज जो होती है मेरे दोस्तों, उसके अंदर हर शाम आठ बजे उसके अंदर मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाता हूँ, टोटली फ्री में होता है। इससे अमेजिंग क्वेश्चन की प्रैक्टिसिंग आपको कहीं नहीं मिलती है। 1 आवर का सेशन होता है, हम 90+ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एंड ऑलमोस्ट 500 से ज़्यादा कॉन्सेप्ट को हम सॉल्व करते हैं। हमारा जो सेशन होता है उसके अंदर हम डिस्कशन करते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा बच्चे इसे अटेंड करते हैं। कुछ बहुत बच्चे होते हैं जिनका स्टार्टिंग में स्कोर अभी 200 आता था, जिनका स्कोर अभी 300 से आगे आ रहा है। तो अगर आप भी अपनी बायोलॉजी को इंप्रूव करना चाहते हो देन स्टडी विथ मी, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस सेशन, क्योंकि इस सीरीज को कंटिन्यू करना है तो मेरा भी मोटिवेशन चाहिए, क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पर ऐड कर सकूं। तो इसका PDF आपको मिल जाएगा, अन अकेडमी नीट एक्सप्रेस, ठीक है। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, इसके क्रेडिट्स मैं देना चाहूँगा, ठीक है, अग्रवाल सर ऑथर इसके, ठीक है, जिनको मैं देना चाहूंगा नीट इन अ वीक बुक। यस, ये बुक आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगी एंड इसका PDF मैं आपको दे दूंगा, मैं इसका, ठीक है, ये इसका कॉपीराइट मैंने डाल दिया है। तो जल्दी से मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे। यस, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस सेशन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड यस, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।